नमस्कार दोस्तों, CSEBLE हेल्प में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैंने आपको, मतलब CSE रिलेटेड वीडियो नहीं है ये वीडियो, मैंने मन की भड़ास निकालने के लिए वीडियो बनाई हुई है। तो कुछ चैनल ऐसे हैं जो दूसरों के वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, और मतलब कितना कंप्लेन करोगे यार। मान लो आपने एक वीडियो बनाई, वीडियो अच्छा लगा, किसी चैनल ने कंप्लेन अपलोड किया, आपने कॉपी किया, आपको अपने कंप्लेन की कंटेंट रिमूव हो गया, अच्छा लगता है। लेकिन आप कल सुबह मान लो कि देखो कि आपको 20 चैनल ऐसे हैं जो आपके वीडियो को अपलोड किए हुए अपने अपने तरीके से। अरे तो मजाक हो रहा है क्या यार यूट्यूब के साथ। अब मान लो आपने ईटा पत्थर जोड़ के बहुत मुश्किल करके सुबह से शाम तक मेहनत करके आपने एक घर बनाया, रहने के टाइम आया, देखो खटिया लेके एरिया का गुंडा उसमें बैठा हुआ है, बोल रहा है कि नहीं जाने दूंगा, क्या करोगे यार। अरे मजाक हो रहा है क्या यूट्यूब में। सुबह से शाम तक मेहनत करके हम लोग एक कंटेंट रेडी करके एक वीडियो बनाते हैं क्रिएटिविटी के साथ, ताकि वीडियोस हमारे व्यूअर्स देखें, उन्हें अच्छा लगे और हम भी कुछ रेवेन्यू कमाएं। लेकिन कुछ आदमी बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे के वीडियो को उठा के अपलोड करते हैं, कुछ तो एडिट करते हैं, कुछ तो इतने बेशरम होते हैं कि एडिट भी नहीं करते। तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी को पता नहीं हो यूट्यूब गाइडलाइन के बारे में, कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। बेसिकली हमारे CSE के जो यूट्यूबर्स हैं, CSE रिलेटेड जो वीडियोज अपलोड करते हैं, शायद उन्हें पता नहीं हो, इसलिए मैं एक वीडियो बनाया। तो मैंने ऑलरेडी 2-3 टैब खोला हुआ है ऊपर, आपको शायद पता चल गया होगा कौन कौन से चैनल हैं जो मैंने कॉपी करते हैं। चलिए मैं बता दूं, पहले कम्युनिटी गाइडलाइन होता क्या है। ये मैंने खोला हुआ है, यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन है। इसमें देखिए चार चीज़ें लिखी हुई हैं कंटेंट के ऊपर। रेस्पेक्ट द यूट्यूब कम्युनिटी, ठीक है। डोंट क्रॉस द लाइन, वी रिव्यू योर रिपोर्ट केयरफुली, ज्वाइन इन हैंड, हैव अ फन, ठीक है। यहाँ पे है डोंट क्रॉस द लाइन, क्या क्या है। नूडली सेक्सुअल कंटेंट नहीं देना है आपको, हार्मफुल रिलीजियस कंटेंट नहीं देना है, वायलेंस ग्राफिक कंटेंट नहीं देना है। सबसे मेन चीज़ है जिसके लिए मुझे लग रहा है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कॉपीराइट, ठीक है। यहाँ पे देख ले लिखा हुआ है रिस्पेक्ट कॉपीराइट, ओनली अपलोड वीडियोज दैट यू मेड और दैट यू आर ऑथराइज टू यूज़। मान लीजिए कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, किसी एक बंदे ने से मैंने वीडियोस बनाई, मैं उसका ऑथराइज हूँ, मैंने वो वीडियो अपलोड की, चलो ठीक है, और एक वीडियो पब्लिक में इशू हो गई। जनरल मान लीजिए किसी ने स्पीच दिया, कोई जनरल कोई वीडियो है, कॉमन है, कोई कॉपीराइट नहीं है उसका, उसको मैंने अपलोड की, चलो ठीक है। लेकिन अब कोई मेहनत करके भैया सुबह से शाम तक एक वीडियो बनाया, रात को आप वीडियो अपलोड करें, एक नया यूट्यूब चैनल है, आपने वीडियो अपलोड की, सुबह आपने उठ के देखा आपके वीडियो पे 10,000 व्यू, दूसरे के वीडियो पे 20,000 व्यू, कितना बुरा लगता है। This means does not upload videos you don't make or use content in your videos. Someone else won the copyright to such as music, tracks, snippets, copyright programs or videos made by other user without necessary authorization, then visit our copyright center. अगर मान लीजिए कि किसी बंदे ने आपकी वीडियो की कॉपी कर ली है, अपलोड करना है, तो आपने करना क्या अगर आप यूट्यूबर हैं तो। इस पर डिटेल मैं वीडियो कल सुबह अपलोड करूँगा, मैं जो कंप्लेन करूँगा एक बंदे के अगेंस्ट में उसका वीडियो, तो उससे पहले मैं बता दूँ। मान लीजिए कि मेरा ये वीडियो है जिसको लेके इतना बवाल मचा हुआ है, मैंने जस्ट इसे यहाँ पे वीडियो खोला हुआ है, इसकी लिंक को कॉपी कर लेनी है हमें, और अगर कंप्लेन करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, रिपोर्ट। जैसे हम रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, हमारे पास रिपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने किसी कोई और आपका वीडियो को अपलोड किया है, तो आपने ये सेकंड, ये लास्ट वन ऑप्शन, लास्ट से दो नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करना है और कंप्लेंट लॉन्च कर देना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने वीडियो आपके नॉलेज के लिए नहीं, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए बनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ मत कीजिए, अब बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स नीचे है, जितनी मन करे गालियाँ दीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।